यार मैं कहना अच्छा क्यों तुसी यार साइज है डिफरेंट साइज के कोले होते हैं आपके पास एक ही साइज है एक ही साइज है रेट क्या क्या है जी 70 रुपया 100 रुपया 100 रुपये में स्पेशल होता है कुछ हां जी स्पेशल होता है खोए वाली होता है खोए वाला होता है जी सर ये इधर ही गोले का सेटअप कितने अरसे से लग रहा है 20 साल से लग रहा है 20 साल से 20 साल और आपका मेरे ख्याल से कोई इधर वो नहीं है ब्रांच वगैरह नहीं आपकी ये ओरिजिनल ब्रांच है कोई ब्रांच नहीं इस ब्रांच का नाम बताना चाहेंगे सुपर गोला फुल्का भाई और इसकी लोकेशन भी बता दें इधर लोगों ने अगर इधर आके पहुंचना हो आपको किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं रावलपिंडी बनी चौक गुलों वाली मार्केट कितने हो गए यार ये फलूदे में आप ऐसा क्या डालते हैं जो लोग दूर से पब्लिक खींची चली आती है कुछ राज बताना चाहेंगे इस पब्लिक को है? आपका मोहब्बत आपका प्यार होता है या आपकी कोई ऐसी इंग्रेडिएंट है जो आप पब्लिक से शेयर नहीं करना चाहेंगे खुफिया डिश खोए वगैरह डालते हैं और बनाने का अंदाज आपका ऑब्वियसली मुनफरद है आगे फलूदे आगे अंदर ग्लास भर रहे हैं कसम बड़ा रगड़ दे परे कर दे बच्चे गोला मजेदार है बहुत मजेदार है कितने 10 में से कितने नंबर है 10 में से 10% 10 में से 10 हां जबरदस्त जबरदस्त इतना टेस्ट जामे सागर का नहीं आता जितना इसका आता है कराची से भाई ये कराची से है ये सरगोधा से लाहौर से ठीक है माशाल्लाह से बड़ा मजे का गुलगुला ठीक है हो गया यहाँ पे हम आए हैं बड़ा मजा आया है और खाने का एक अलहदा स्वाग है इसके ऊपर खोया दला हुआ है खोया बड़ा मजा आया एंजॉय कर रहे हैं कलरफुल है बिल्कुल कलरफुल है और आपकी तरफ से रेटिंग स्वीट है रेटिंग 100% है जनाब ये आप देख सकते हैं बन्नी की शान और दिस इज ट्रेडिशनल फूड स्ट्रीट ऑफ रावलपिंडी और रावलपिंडी में आपने क्या क्या ट्राई किया सेवर फूड ट्राई किया हमने बस आपने इसका मतलब पैसे पूरे कर लिए पैसे पूरे कर लिए पिंडी आके सेवर जिसने खा लिया ना उसने सब कुछ बराबर कर लिया फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ क्योंकि ये भाई तो खाते रहते मैं कराची से आया हूँ तो लेकर आए मुझे कितनी रेटिंग देते हैं 100 में से भाई मैं तो बोलता हूँ अगर 100 में से 100 दी जाए तो कम है क्योंकि ये कहीं मिल नहीं रहा है ऐसा बोला मिल नहीं रहा है कंपैरिजन कोई नहीं आप भी यही कहते हैं जी मैं भी यही कहता हूँ भैया मतलब 100 out of 110 हाँ जी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी और इनका एक नेचर और इनकी बात करने का अंदाजा भी ठीक है मैं 3 बार इनके पास गई 3 बार मुझे उसी तरह के प्रोटोकॉल जितना पहले दिया प्रोटोकॉल अच्छा देते हैं हर बंदे को सर्विस अच्छी देते हैं सर्विस अच्छी देते हैं वो अमीर है या गरीब है बराबर का प्रोटोकॉल देते हैं किसी को कम या ज्यादा नहीं देते ये इनकी स्पेशलिटी है जो दूर दूर से इनको पब्लिक को खींच के लाती है इधर यार मैं कहना अच्छा क्यों तुसी यार पाजी क्या ही वधिया वधिया किस्म का है जो गोला लाए हो तुसी मैं कहना बाबू रोटी खोल दो सो बड़ा ही ज़बरदस्त गोला है जनाब मैंने पिंडी में तो ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में ऐसा गोला नहीं खाया सो आप ज़रूर आए यहाँ ट्राई करें और यहाँ पे गोले की जो बहारें लगी हुई हैं माशाल्लाह मेरा सा लगा हुआ है और पब्लिक टूट पड़ी है और हर बंदा जो है ना आना चाहता है यहाँ पे गोले के लिए सो ज़रूर आप आए ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप अच्छा गोला खाना चाहते हैं और अभी तक आपने नहीं खाया और ये इसकी डेफिशिएंसी है और इसकी तलब आपकी हो रही है बॉडी को सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आएँ और गोला खाएँ और गोले के मज़े मज़े से गोला जो है आपकी जो गर्मी की शिद्दत को है वो कम करेगा
और आजकल जो एकदम डिप्रेशन और गुस्सा वगैरह लोगों को आ जाता है, सो वो भी कूल डाउन करेगा। सो गोला खाएं और इन्जॉय करें, जिंदगी इन्जॉय करें।